वर्धा नांदेड़ रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे 2008 में मंजूरी दी गई थी और 2016 में इसे विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा को कनेक्ट करेगा। मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। वर्धा नांदेड़ रेलवे प्रोजेक्ट 285 किलोमीटर लंबा रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने पर मराठवाड़ा के हिंगोली और नांदेड़ और विदर्भ के वर्धा, यवतमाल और वाशिम जिलों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन यह रेलवे प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो चुकी है। इसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 90% भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। इसके लिए लगभग 2,139 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थी, जिसमें 1,912 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है और बचा हुआ 227 हेक्टेयर भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि यह रेलवे प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है, जिसे 2022-23 में पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन 2024 रखा गया है। वहीं इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो वर्धा देवली भिड़ी क्लाम खंड तक 38.6 किलोमीटर रेलवे लाइन का काम पूरा होने वाला है। इस मार्ग पर 35 प्रमुख पुल और 79 छोटे पुल और सड़क व अंडरब्रिज का काम पूरा हो चुका है, जहां इसकी कुल लागत 3,445.8 करोड़ रुपए है, जिसमें इस रेलवे प्रोजेक्ट का 60% भारतीय रेलवे और 40% राज्य सरकार दे रही है। जिस प्रकार इस रेलवे प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है, उस हिसाब से यह रेलवे प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।